आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। रसायन एवं उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा ने कहा है कि उर्वरकों की नहीं है कमी, राज्यों को मिलेगी हर संभव मदद। राज्य सरकार ने गृह निर्माण और अधोसंरचना विकास मंडल के अध्यक्ष सहित राज्य कृषि विपणन बोर्ड के 15 सदस्यों की तत्काल प्रभाव से सदस्यता समाप्त की। प्रदेश में मंत्रिमंडल के गठन को लेकर चर्चाओं का दौर जारी, मुख्यमंत्री ने दिल्ली में की कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से मुलाकात। और प्रदेश में भी बैंक कर्मियों की हड़ताल के चलते कामकाज हुआ प्रभावित। अब समाचार विस्तार से। रसायन एवं उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने कहा है कि उर्वरकों की कमी नहीं है, यूरिया सहित सभी उर्वरकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों को उर्वरक विभाग की ओर से हर संभव सहयोग मिलेगा। श्री गौड़ा आज नई दिल्ली में रबी सीजन 2018-19 के दौरान सभी राज्यों में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता के बारे में जानकारी दे रहे थे। वहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी रबी के सीजन में यूरिया के संकट को देखते हुए किसानों को यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के प्रति गंभीर है, उन्होंने आपूर्ति बढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार से बात की है। राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के अध्यक्ष कृष्ण मुरारी मोघे का मनोनयन तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास को प्रभार सौंपा गया है। श्री मोघे को 12 जुलाई 2016 को 2 वर्ष की अवधि के लिए गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इसके बाद 18 जुलाई को कार्यकाल में 2 वर्ष की वृद्धि की गई थी। वहीं राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के 15 सदस्यों की सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी है। शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा की तारीख निरस्त कर दी गई है। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन 29 दिसंबर और माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा का आयोजन 19 जनवरी को प्रस्तावित था। इसकी समय सारणी बाद में घोषित की जाएगी। गौरतलब है कि कांग्रेस ने व्यापम की भर्ती परीक्षाओं पर सवाल उठाए थे। राष्ट्रीय कृषि बाजार शिखर सम्मेलन का आयोजन राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान भोपाल में किया जा रहा है। सम्मेलन का उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा किसानों को उनके उत्पाद का अधिक मूल्य दिलाने और खेती को लाभ का धंधा बनाना है, साथ ही कृषि स्टार्टअप्स को एक साथ लाकर इसे विस्तार देना है। ये आयोजन प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को भी विस्तार देता है। सम्मेलन में कृषि में नवाचार करने वाले किसानों को कृषि भूषण सम्मान भी दिया जाएगा। शिवपुरी जिले के पोहरी थाना क्षेत्र में ग्राम चकराना के पास एक ट्रक पलट जाने से इसमें सवार 5 किसानों की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से अधिक किसान घायल हो गए। बीती रात को ये किसान अपनी फसल भरकर ट्रक से जा रहे थे, तभी ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। इस घटना में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 1 व्यक्ति की मौत जिला अस्पताल शिवपुरी में उपचार के दौरान हुई। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल शिवपुरी लाया गया है। वहीं सतना जिले के उचेहरा थाना क्षेत्र में एक मोटरसाइकिल के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से उसमें सवार 2 युवकों में 1 की मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया है। इंदौर में 26 से 31 दिसंबर तक 64वीं राष्ट्रीय शालेय खेल प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इस प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों के लगभग 2500 खिलाड़ी भाग लेंगे। प्रतियोगिता के अंतर्गत क्रिकेट, खो खो, कराते और वोवी नाम की प्रतियोगिताएं होंगी। इसमें 14 से 19 वर्ष आयु तक के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय शालेय खेल प्रतियोगिता की तैयारियां शुरू हो गई हैं। स्पर्धा के संचालन के लिए शिक्षा विभाग द्वारा आवास, भोजन, आवागमन, चिकित्सा सहित 18 समितियों का गठन किया गया है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा अब आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉग इन कर या एआईआर न्यूज ऐप पर भी इसे सुन सकते हैं। प्रदेश में मंत्रिमंडल के गठन को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एके एंटोनी सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ मंत्रिमंडल के गठन को लेकर चर्चा की। उन्होंने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि मंत्रिमंडल के गठन को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं है, अभी 2-3 दिन का समय है।
कांग्रेस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इन बैठकों में मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नामों पर चर्चा की जा रही है। कमलनाथ ये बात पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि मंत्रिमंडल में पहली बार विधायक बने नेताओं को शामिल नहीं किया जाएगा। इससे पहले कल मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भोपाल में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। राज्यपाल से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि 8 जनवरी से प्रदेश विधानसभा का सत्र शुरू होगा। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही प्रदेश में मंत्रिमंडल का गठन होगा। लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए भारतीय जनता पार्टी कल और 23 दिसंबर को संभागीय बैठकें करेगी। कल होने वाली बैठक में पार्टी के जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, प्रदेश पदाधिकारी और कार्यसमिति सदस्य शामिल होंगे। वहीं 23 दिसंबर को मोर्चा जिला अध्यक्ष, मोर्चा के राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारी सहित मोर्चा के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य भाग लेंगे। बैठकों में लोकसभा चुनाव से संबंधित कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा की जाएगी। बैठकों की तैयारियों के लिए प्रदेश कार्यालय से सभी जिला अध्यक्षों को पत्र भेजा गया है। देश भर में आज बैंक अधिकारी अपनी मांगों के समर्थन के बीच प्रदेश में भी राष्ट्रीयकृत बैंकों में कामकाज प्रभावित हुआ। आज से लगातार 6 दिन बैंकों का कामकाज प्रभावित रहेगा। कल चौथे शनिवार और 23 को रविवार होने के चलते बैंकों में अवकाश होगा। 24 दिसंबर सोमवार को बैंक खुलेंगे। अगले दिन 25 दिसंबर को क्रिसमस का अवकाश और 26 दिसंबर को अधिकारियों के साथ बैंक कर्मचारी भी हड़ताल में शामिल होंगे। इसके चलते बुधवार को भी बैंकों में कामकाज नहीं होगा। एसोसिएशन के मध्यप्रदेश उपाध्यक्ष वीके शर्मा ने बताया कि बैंककर्मी बैंकों के विलय का विरोध करते हुए वेतन निर्धारण और 11वें वेतनमान फौरन दिए जाने की मांग कर रहे हैं। ट्राइफेड द्वारा 10 दिवसीय आदि महोत्सव आज से भोपाल हाट में शुरू हो गया है। 30 दिसंबर तक चलने वाले इस महोत्सव में 20 राज्यों के लगभग 300 कलाकार विभिन्न प्रकार की आदिवासी कलात्मक वस्तुओं की प्रदर्शनी और बिक्री कर रहे हैं। इस महोत्सव का विशेष आकर्षण विभिन्न प्रकार के जनजातीय व्यंजन है, जो कि अलग अलग राज्यों के जनजातीय रसोइयों द्वारा ही बनाए जा रहे हैं। रोज शाम को जनजातीय कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। ये महोत्सव एक तरह से जनजातीय कला, संस्कृति, खान पान और व्यापार का महाकुंभ है। प्रदेश में ठंड का असर बरकरार है। मौसम केंद्र भोपाल ने आगामी 24 घंटों के दौरान शहडोल संभाग के जिलों और छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर और होशंगाबाद जिलों में कहीं कहीं शीतलहर चलने के आसार जताए हैं। वहीं प्रदेश का सबसे न्यूनतम तापमान खजुराहो और मंडला में दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार अभी 2-3 दिन सर्दी और बढ़ने के आसार है। हमारे सतना संवाददाता ने बताया कि जिले के उचिहारा थाना क्षेत्र के भटनवारा गाँव में एक बुजुर्ग की ठंड के चलते मौत हो गई। भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के लिए फोटो निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण का कार्य शुरू कर दिया है। लोकसभा निर्वाचन के लिए 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी पात्र नागरिकों का नाम निर्वाचक नामावली में शामिल किया जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बांधवगढ़ नेशनल पार्क के कबीर चौरा में कबीर के अनुयायियों का 3 दिवसीय मेला आज से शुरू हो गया है, जिसमें शामिल होने बड़ी संख्या में कबीर के अनुयायी आ रहे हैं। स्वस्थ भारत यात्रा के तहत रायसेन के सांची में विद्यालयों के छात्र छात्राओं, एनसीसी, स्काउट्स एंड गाइड्स और नागरिकों द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। टीकमगढ़ में पुलिस लाइन पर पुलिस दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रसायन एवं उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा ने कहा है कि उर्वरकों की नहीं है कमी, राज्यों को मिलेगी हर संभव मदद। राज्य सरकार ने गृह निर्माण और अधोसंरचना विकास मंडल के अध्यक्ष सहित राज्य कृषि विपणन बोर्ड के 15 सदस्यों की तत्काल प्रभाव से सदस्यता समाप्त की। प्रदेश में मंत्रिमंडल के गठन को लेकर चर्चाओं का दौर जारी। मुख्यमंत्री ने दिल्ली में की कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात। और प्रदेश में भी बैंक कर्मियों के हड़ताल के चलते कामकाज हुआ प्रभावित। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।